अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एल्डिहाइड। तो आज हम लोग जो है वो एल्डिहाइड का इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड की जिस कंपाउंड का हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉर्म एल्डिहाइड। हमारे पास एक कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है, तो उसका कॉमन नेम फॉर्म एल्डिहाइड है। और IUPC नेम अगर आप पूछें तो उसका क्या है? मीथेनल। अब मीथेनल इसका IUPC नेम है और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? HCHO। सही, प्रिपरेशन करते हैं सबसे पहले इसकी जो प्रिपरेशन है वो है प्रिपरेशन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन ऐड कराना। तो अब मिथाइल अल्कोहल बना हुआ, इसमें हम ऑक्सीजन ऐड कराते हैं। तो ऑक्सीजन ऐड किससे करा रहे होते हैं हम? H2SO4 और K2Cr2O7 की प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है मिथाइल अल्कोहल के साथ। तो हमारे पास क्या है कि वाटर बन जाता है। कैसे बन जाता है वाटर आपके पास? कि ये मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला बना हुआ है, ये एच और आपके पास ये ओ मिलकर क्या बना लेते हैं? वाटर। और इस कार्बन की एक के वैलेंसी खाली हो गई, ये एच निकलेगा और एक ये एच निकलेगा। तो इस कार्बन के दो एच, ये एच निकल गए, तो इस कार्बन की एक के वैलेंसी खाली हो गई, इस ऑक्सीजन की एक के वैलेंसी खाली हो गई। दोनों ने आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो आपके पास क्या बन गया? फॉर्म एल्डिहाइड। सही है। अब आगे चलते हैं हम। दूसरा जो इसकी प्रिपरेशन है वो है बाय डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है कि हम उसमें से डीहाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। किससे? मिथाइल अल्कोहल से। तो मिथाइल अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? CuO क्यूपरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो सेम ऐसी प्रोसेस हो रहा है कि आपके पास ये एच और ये एच रिमूव हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ CuO, और आपके पास क्या फॉर्म हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। अगला जो हमारे पास प्रिपरेशन है वो है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट हमारे पास, ये कैल्शियम हमारे पास तो ये हमारे पास जो है वो कैल्शियम फॉर्मेट है। कैल्शियम फॉर्मेट से कैसे आपके पास फॉर्म होगा? आप देखें कि ये CA है, सही है, फिर उसके बाद COO और ये वाला वो ब्रेक डाउन होगा, ये इस तरह ब्रेक डाउन होगा, सही है। तो आपके पास क्या फॉर्म हो गया? CaC और O3, ये फॉर्म हो गया। अब आप इसके पास क्या है? HC डबल बॉन्ड O, ये जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड है इस कार्बन के साथ ये, और इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी इस कार्बन की, तो ये कार्बन इससे अटैच हो जाएगा। अगर मैं आपको इसका मजीद ओपन स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह बनेगा। सही है, ये आपका मजीद जो है वो ओपन स्ट्रक्चर है। तो ये जो बॉन्ड है वो इस तरह आपके पास CaCO3 फॉर्म हो रहा है। अब देखें इस कार्बन की ये वैलेंसी खाली हो गई, ये जो हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन वो आकर इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो क्या आपके पास क्या फॉर्म हो गया? एल्डिहाइड। सही है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी है कि ये गैशियस होता है एट रूम टेम्परेचर। तो स्टेट इसकी क्या है? गैशियस है, कलरलेस होता है, सफोकेटिंग स्मेल होती है इसकी, और पॉइजनस होता है ये। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब आ जाते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या होता है कि फॉर्म एल्डिहाइड की जब हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन क्या होती है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ हम गेन ऑफ ऑक्सीजन करा रहे हैं इसकी, तो क्या फॉर्म हो रहा है आपके पास? फॉर्मिक एसिड। इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन आकर इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, और ये H इस ऑक्सीजन से यहाँ अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा? HCOOH। तो ये आपके पास क्या बन गया? एक कार्बन वाला कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है, इसलिए इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। अगला जो हमारे पास इसका केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? फॉर्मल्डिहाइड की रिडक्शन। रिडक्शन क्या हो रहा है हमारे पास कि रिडक्शन किसे कहते हैं हम? गेन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं।
तो यहाँ हाइड्रोजन गेन कर रहा है कौन, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये हाइड्रोजन गेन करेगा तो आपके पास क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल। कैसे फॉर्म हो गया अब मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ। फॉर्मल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है वो ये है हमारे पास, सही है। जब ये दो हाइड्रोजन आएंगे तो ये किस तरह आएंगे इसके पास, कि इसका बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हो गई और एक ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हो गई, कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई। तो एक हाइड्रोजन यहाँ कार्बन पर अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन आकर इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। अगला जो इसका रिएक्शन है वो रिएक्शन विद फिलिंग सोल्यूशन। फिलिंग सोल्यूशन और रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किस तरह फॉर्म होता है आपके पास, ये फिलिंग सोल्यूशन है पूरी। क्या फिलिंग सोल्यूशन है हमारे पास, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सही है। तो CuOH का होल टॉइस प्लस NaOH, इन दोनों के मिक्सचर को हम फिलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। जब फिलिंग सॉल्यूशन में हम एल्डिहाइड डालेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। इसके जो क्यूप्रस ऑक्साइड है इसका कलर जो होता है वो रेड होता है, तो इसके हमें रेड प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाएंगे हमारे पास। तो रेड प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाएंगे इस क्यूप्रस ऑक्साइड के, तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास ये रिएक्शन फॉर्म हो गया। तो ये बेसिकली एक डिस्टिंग्विश टेस्ट भी है बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो जब एल्डिहाइड होगा आपके सॉल्यूशन में अगर, तो रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे फिलिंग सॉल्यूशन अगर आपने डाला उसमें, और अगर आपके पास कीटोन है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा जो रिएक्शन है ये भी डिस्टिंग्विश टेस्ट है बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें क्या होगा, जब एल्डिहाइड का रिएक्शन होगा डायमाइन सिल्वर वन हाइड्रोक्साइड से, ये इसका नाम क्या है, डायमाइन सिल्वर वन हाइड्रोक्साइड। ये चैप्टर नंबर 5 में जो IUPAC नेमिंग आपने की है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, उसमें डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसका हमने नाम रखा, डायमाइन सिल्वर वन हाइड्रोक्साइड। तो जब डायमाइन सिल्वर वन हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा किसके, HCHOaldehyde के साथ, तो क्या फॉर्म हो रहा है, सिल्वर, सही है। सिल्वर जो है हमारे पास वो डिपॉजिट हो जाएगा एट द बॉटम, तो डिपॉजिट होने की वजह से सिल्वर आपके पास एक तरह से सिल्वर लेयर फॉर्म हो जाएगी। तो अगर आपके पास एल्डिहाइड होगा तो ये सिल्वर लेयर फॉर्म होगी, वो क्या निशानी है कि आपके पास टॉलरेंस रिएजेंट ने रिएक्शन कर गया एल्डिहाइड के साथ। तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास बीकर में या सैंपल के तौर पर हमारे पास सॉल्यूशन में एल्डिहाइड मौजूद था, अगर एल्डिहाइड की जगह कीटोन होता तो ये रिएक्शन नहीं होता। अगला जो रिएक्शन है हमारे पास वो क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होता है NaOH के साथ, तो देखें दो मोल्स हैं फॉर्मल्डिहाइड के, एक ये रहा फॉर्मल्डिहाइड और एक ये रहा फॉर्मल्डिहाइड। तो जब फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन होगा NaOH के साथ तो किस तरह रिएक्शन हो रहा है आपके पास, तो आपके पास रिएक्शन किस तरह हो रहा है कि ये जो NaOH है इसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, सही है। यहाँ से ब्रेक डाउन होने की वजह से ये H जो है वो चला जाएगा इस O के पास, सही है, इस O के पास जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, तो ये क्या बन जाएगा H एक CH और ये आपके पास एक OH आ गया, सही है। तो आपके पास ये मिथाइल अल्कोहल फॉर्म हो गया। अब ये जो ONA था, ये जाएगा किसके पास, ये आएगा इसके पास, ये कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा आपके पास, और ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था ये वाला हाइड्रोजन जाएगा किसके पास, इस कार्बन के पास। तो आपके पास हो क्या रहा है असल में कि HCO डबल बॉन्ड में कहां कहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, सबसे पहले जो है वो एक बॉन्ड इसका ब्रेक हो रहा है, सही है, और जो बॉन्ड है वो यहां से भी ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है, सही है। तो आपके पास हुआ क्या था, सबसे पहले जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये वाला एच किसके पास गया, इस ओ के पास, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, तो एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली हो गई, एक इस ऑक्सीजन की, तो ये एच इसके पास आ गया, ये भी बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ये वाला एच इसके इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, तो देखें क्या बन गया, CH3OH, तो ये मिथाइल अल्कोहल बन गया। अब आपके पास इस कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई, तो ये जो ONA बचा था ये ONA किसके पास चला गया, इसके पास, तो HCO और ONA आ गया, तो क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट। अब अगला रिएक्शन जो है वो क्या है इसका, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन
अगर हम कराते हैं किसकी फॉर्मल्डिहाइड की इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या बन रहा है मेटा फॉर्मल्डिहाइड। कैसे फॉर्म हो रहा है मेटा फॉर्मल्डिहाइड, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास आप इसको ये समझे कि ये तीन मॉलिक्यूल हैं किसके, फॉर्मल्डिहाइड के, सही है। तो ये इनका एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जब एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये जो इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई और एक इस कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई, तो जो आने वाला अगला फॉर्मल्डिहाइड का बॉन्ड ब्रेक हुआ है देखें, वो उसके दूसरे OCH2 के साथ अटैच हो गया। यानी कि अगर मैं इसको बनाकर दिखाऊं आपके पास तो समझें कि अगर ये दूसरा यहां अटैच है तो इसका बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, सही है। जब इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये अटैच हो गया किसके पास, साथ जाकर ये अटैच हो गया इसके साथ, सही है, और जो एक और था वो उसके ऊपर अटैच हो गया, तो एक तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। तो OCH2 OCH2 और OCH2 का, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटा फॉर्मल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन जो है वो किस तरह पूछता है कि आपने मेटा फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर करना है किससे, फॉर्मल्डिहाइड से, तो फिर आपने ये रिएक्शन लिखना होगा। फिर इसके बाद आप आ जाएं एडिशन ऑफ HCN। तो जब एडिशन ऑफ HCN होता है हमारे पास तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपके पास सिर्फ ये बॉन्ड HCN के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है, सही है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये जो H था चला गया इस O के पास और ये CN आ गया इस C के पास, तो क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन। अगला जो रिएक्शन है वो है आपके पास NH2OH के साथ, हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ। तो हाइड्रोक्साइल एमाइन ये रहा हमारे पास, हाइड्रोक्साइल एमाइन का जब इससे रिएक्शन होगा आपके पास तो कैसे होगा कि उसी तरह आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस ऑक्सीजन की इक्विवेलेंसी खाली, इस कार्बन की इक्विवेलेंसी खाली, सही, और आपके पास यहां जो दो एच थे, यहां जो दो एच थे उनमें से एक एच का जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक एच किस साथ चला गया, इसके साथ, तो यहाँ क्या बच गया, NHOH, तो NHOH के साथ नीचे अटैच होगा, तो ये रहा NHOH और वो जो H आया है वो ये रहा, इसका जो एक H जो आया है, सही है। तो क्या बन गया आपके पास, ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बन गई। अब आपके पास क्या होगा कि ये OH, सही, ये OH और ये वाला H, इसका बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, क्या बन गया, वाटर, सही, और आपके पास इस कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई और इस नाइट्रोजन की, दोनों ने आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म करके क्या बना दिया, ऑक्साइम, सही है। तो ये ऑक्साइम की प्रिपरेशन थी, ये उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला जो रिएक्शन है हमारे पास वो क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन का। तो ये हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड है, ये हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन है, सही। अब जब वही बात है, आपके पास बॉन्ड यहीं से ब्रेक होगा, सही है, यहां जो बॉन्ड ब्रेक होगा और इस जो NH2 में से एक H रिमूव होगा, जो एक H रिमूव होगा कहां चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, तो क्या बन गया, OH, सही। अब ये क्या बच गया, NH, फिर इसके बाद NH, फिर C6H5, तो ये जो एक H किसकी वैलेंसी की वजह से बचा था, नाइट्रोजन के साथ जो रिमूव हुआ था, तो ये नाइट्रोजन के साथ अटैच जाएगा इसके साथ, तो देखें ये NH, फिर ये दूसरा NH और C6H5 ये रहा, सही है। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बन गई। अब इसके बाद इसी तरह आपके पास कि ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा ये OH का, सही, फिर ये H ब्रेक डाउन होगा तो क्या बन गया, वाटर, इन दोनों की एक वैलेंसी खाली हो गई, इन्होंने आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो क्या बन गया, HCH डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड NH6H5, तो ये वाला जो NH6H5 था ये एज इट इज ही रहा है, तो क्या बन गया हमारे पास, फिनाइल हाइड्राजोन। अब आगे आ जाएं आप एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के एडिशन में किस तरह रिएक्शन हो रहा है इसका, कि ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है जब C2H5OH है, जब इससे बॉन्ड ब्रेक होगा तो किस तरह बॉन्ड ब्रेक होगा इसका, यहां से
बॉन्ड ब्रेक होगा, सही है, और इसका यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये आगे पास क्या बचा, सी टू एच फाइव ओ, ये अटैच होगा इस कार्बन के साथ, और ये एच जो अटैच हो जाएगा इसके साथ ओ के साथ, तो क्या बन गया, एच सी ओ एच एच और नीचे ओ सी टू एच फाइव। दोबारा जब इसका रिएक्शन होगा सी टू एच फाइव के साथ, तो दोबारा उसी तरह ब्रेक डाउन होगा, ये तो ये जो H है, ये H और आपके पास ये OH मिलकर जो है क्या बना लेंगे, वाटर, क्या बन गया मिलकर, वाटर, सही है, और ये यहां से बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ था, तो ये C किसके साथ अटैच जाएगा, इस C2H5O के साथ, सही है, तो देखें क्या बन गया, H C O C2H5 C H और फिर उसके बाद O C2H5, तो ये आपके पास क्या बन गया, एसिटल, और ये क्या था हमारे पास, हेमी एसिटल। तो एसिटल की प्रिपरेशन पूछता है ये एल्डिहाइड से, तो फिर आपने पूरा रिएक्शन लिखना होगा, और अगर पूछता है कि हेमी एसिटल की प्रिपरेशन लिख दें, तो सिर्फ आपने यहां से यहां तक का रिएक्शन लिखना होगा, यहां तक, सही है। अब आप आ जाएं यूजेस पर, इसकी यूजेस में क्या है, सिल्वरिंग ऑफ मिरर के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि मिरर बनाने में, हमने देखा था ना विटोलेंस रिएजेंट में जब इसका रिएक्शन हो रहा था टॉलरेंस रिएजेंट से, तो ये देखें टॉलरेंस रिएजेंट से जब रिएक्शन हो रहा था इसका एल्डिहाइड का, तो देखें सिल्वर डिपॉजिट हो रहा था, तो यही काम हम लेते हैं इसको मिरर के ऊपर, तो जब मिरर के ऊपर यही काम होता है तो सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है मिरर के ऊपर, तो एक तरह से सिल्वरिंग ऑफ मिरर होती है और फिर मिरर फॉर्म हो जाता है। दूसरा आपके पास ये ऑयल्स बनाने के तौर पर इस्तेमाल होता है, डाइज के तौर पर भी इस्तेमाल, डाइज बनाने में भी इस्तेमाल होता है, बैकलाइट प्लास्टिक है वो बनाने के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा हमारे पास प्रिजर्वेटिव बनाने के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं प्रिजर्वेटिव, उनको भी बनाने के तौर पर इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा हमारे पास एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है ये। तो ये आज हमने पढ़ी प्रिपरेशन, पढ़ी प्रॉपर्टीज, पढ़ी और यूजेस पढ़े किसके, फॉर्मल्डिहाइड के। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन था आपके पास, ये फिनाइल हाइड्रोजन वाला रिएक्शन इम्पॉर्टेंट था, एक ऑक्साइम वाला रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, ये वाला एक हाइड एच सी एन के साथ जो एडिशन रिएक्शन है ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन था इसका, ये कैनिजारो के रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, टॉलेंस ऑफ फिलिंस रिएजेंट, ये जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये यहाँ से लेकर नीचे तक सारे रिएक्शन इम्पॉर्टेंट हैं इसके। प्रिपरेशन में इसके आपके पास ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ड्राई डिस्टिलेशन वाला, और ये वाला रिएक्शन तो आप ऑलरेडी मिथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं, सही है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट में मेंशन कर दें।